जुलाई 1999 का कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश भर में आज कारगिल के शहीदों को याद कर उनकी शहादत को सलाम किया गया। कारगिल युद्ध में शहीद हुए शहीदों की जयंती पर आज देहरादून के गांधी पार्क में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कारगिल विजय दिवस हमारी सेना के अदम्य साहस और वीरता का परिचायक था, जिसमें भारतीय सेना ने कारगिल पर विजय प्राप्त की। मैं आज कारगिल विजय दिवस के अवसर पर सभी हमारे सैनिकों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और साथ ही साथ सभी शहीदों को मैं नमन करता हूं। इस अवसर पर चूँकि सैनिकों का ये बहुत बड़ा दिवस है, और इस दिवस पर हमारी सरकार ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बार विडोज एवं वेटरन्स को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली पेंशन की धनराशि को बढ़ाकर 8,000 रुपये से अब 10,000 रुपये कर दी है, प्रतिमा कर दी है। इसमें लगभग 800 परिवारों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलेगा, और ऐसे ही हमारे राज्य के ऐसे युवक और ऐसी युवतियाँ जो NDA और CDS या समकक्ष उसके लिखित की परीक्षा में पास हो जाएंगे, उनको SSB साक्षात्कार की तैयारी हेतु यानी कोचिंग उनके परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता राज्य सरकार की तरफ से दी जाएगी। कारगिल में शहीद हुए शहीदों की शहादत को भुलाया नहीं जा सकता, ये कर्ज है उन शहीदों का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, देहरादून।